कर लूंगा, मेरे उनसे तीन सवाल हैं, इसका जवाब दे देंगे। पहला सवाल है कि कितने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने 50% प्रॉफिट के फार्मूले को स्वीकार क्यों नहीं किया। 1965 में उनकी सरकार थी जब कृषि प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, जब इसका नाम CACP रखा गया जब भी उनकी सरकार थी, स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तब भी उनकी सरकार थी, उन्होंने किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस देने का फार्मूला अडॉप्ट क्यों नहीं किया, इसका जवाब देते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी, वो तो केवल इसको MSP पर लटकाए रहे और कहते रहे कि प्रॉफिट तो देना ही नहीं होता, उसके पैरामीटर्स में ही प्रॉफिट नहीं। दूसरा सवाल है, क्या किसी भी साल में आजादी से लेके अब तक 33,500 करोड़ रुपया किसी एक फसल पर किसानों को देने का उपक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा उपक्रम जिसकी सुंदरता की मैंने आपको बात की, रियल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, हर फसल पर किसान की आमदनी एक समान हो जाए, इसके लिए कभी सोचा? तो स्वामीनाथन साहब ने भी नहीं सोचा, ये मोदी साहब ने सोचा, उनकी टीम ने सोचा, वो तो वाकई वही रुक गए थे। उनके पिताजी किसान के सेल के अध्यक्ष थे वर्षों तक, जैसे मैं बीजेपी में, उनके फादर साहब का इनका कोई आंदोलन जैसे हमने किया, प्रॉफिटेबल प्राइस के लिए कोई आंदोलन बता दे रहे, इसलिए पहले इनके जवाब तो दे दो। पूरी कांग्रेस पार्टी से मेरे सवाल नहीं, ये ना चौधरी देवीलाल कर पाए भारत के उप प्रधानमंत्री बनके, ना चौधरी चरण सिंह कर पाए भारत के प्रधानमंत्री बनके, ना देवगौड़ा कर पाए भारत के प्रधानमंत्री बनके, ना कांग्रेस नारे लड़े मारते रही, इतना पैसा कभी फार्मर्स को कांग्रेस पार्टी ने किसी फार्मूले से देने का कोई प्रयास नहीं किया। ये केवल नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सारी फसलों के किसानों की बल्ले बल्ले कर दी। ये व्यापक परिवर्तन होने वाला है। आज यहाँ हम सब मंडल अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्ष ने, हमारे विधायकों ने बैठकर निर्णय किया है कि हर मंडल से 1000 लोग जो है किसान महेंद्रगढ़ रैली में 21 तारीख को पहुँचेंगे। पार्टी की बहुत बड़ी रैली, बाजरा किसान धन्यवाद रैली, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण सब उस रैली में रहेंगे। एक बड़ा आयोजन ये हो रहा है, उसी का न्योता देने के लिए, उसी की तैयारी के लिए आज मैं आप सबको पूछना आया हूँ। कम दिखाने आ रहे हैं आप, जनजन में भी राव इंद्रजीत जी जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, किस एंगल से देख रहे हैं आप इस सारे? अभी बाजरे की जय जयकार करो, पंडो को छोड़ दो। एमएसपी को लेकर पिछले दिनों योगेंद्र यादव ने किसान मार्च किया है, काफी कुछ बोले हो सकता है खिलाफ, अब इनको मार्च वार्च भी ना करने दोगे आप? सर एक बात, ओम प्रकाश धनखड़ जी की अपन खड़े हो जाए सारे, कोई हम खड़े खड़े भी कवर करते, कोई पत्रकार जो है फिर एक घंटा जो है ना फिर आदर्श की बात होती है। ये अच्छा रेस्ट हाउस ऐसे कोई वास्तुकला के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ जो बात सोची जाती है वो इंप्लीमेंट बहुत जल्दी होती है। 25 जनवरी को रात को मैं ही आया था, मैंने सोचा कल की सारी बातें कही है, कोई ऐसा डेटा है कि सरकार कितना फीसद टोटल प्रोडक्शन है भारत हरियाणा की उसका?